नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रिस्क लेने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसराइल को लेकर पीएम मोदी जिस प्रकार का रिस्क ले रहे हैं उसे देखते हुए पूरा भारत खतरे में पड़ सकता है। इसराइल को एक साथ 10,000 भारतीय ड्रोन भेजने का मतलब है कि आप एक बार में 57 मुस्लिम देशों के साथ पंगे ले रहे हैं, जिनका वर्चस्व तेल और एनर्जी की दुनिया में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी बिना किसी डर भय के इसराइल को ताबड़तोड़ हथियार भेजते जा रहे हैं। अपने परम विश्वास के बदौलत मोदी ने भारत में बड़े बड़े रिस्क लेकर देश की तकदीर बदल दी है, लेकिन अब वे इतिहास की सबसे बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं। उनके इस रिस्क पर आने वाले दशकों में भारत की तकदीर लिखी जाएगी। मिडिल ईस्ट में मोदी आग से खेल रहे हैं, क्योंकि इजराइल को सरेआम हथियार देने का मतलब है कि मुस्लिम देशों के छाती पर सांप फेंकना। वह सभी मन ही मन मोदी को सबक सिखाने के लिए मीटिंगें कर रहे होंगे। हाल ही में भारत द्वारा इजराइल को भेजे गए हथियार को स्पेन में पकड़ लिया गया था। इस विषय पर दुनिया भर में खूब हंगामा मचा था, लेकिन यह कोई पहली दफा नहीं है जब भारत इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। इससे पहले भी भारत ने इजराइल को कई सारे हैदराबादी ड्रोन पहुंचा दिए हैं। ड्रोन्स के अलावा गोला बारूद भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तो सभी हदों को पार करते हुए भारत इजराइल को 10,000 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई करने जा रहा है। सूरत को अब तक आप सभी डायमंड सिटी के नाम से जानते थे, लेकिन अब इस शहर को ड्रोन सिटी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अगले 5 से 6 साल के अंदर इजराइल को 10,000 ड्रोन दिए जाएंगे। यह अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि ड्रोन के मामले में इजराइल खुद सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन युद्ध में फंसे होने के कारण अब भारत उसकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मिडिल ईस्ट में इस तरह का कारनामा अब तक केवल अमेरिका ही किया करता था, जो अपने सुपर पावर शक्ति की बदौलत मुस्लिम देशों को बैलेंस करते हुए इजराइल को भी खुलेआम हथियार सप्लाई किया करता था। लेकिन जिस प्रकार से मोदी ने रिस्क लेते हुए हैदराबादी ड्रोन इजराइल को पहुंचाए हैं, उसे देखकर खुद अमेरिका भी हैरान होगा। अमेरिका को एहसास हो चुका है कि अब मिडिल ईस्ट में भारत की ताकत बढ़ रही है। एक तरफ भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डील साइन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को खूंखार हथियार और ड्रोन दे रहा है। इन दोनों कट्टर दुश्मनों से भारत की आसिकी आजकल देखने लायक है, और शायद यही दीवाने जयशंकर की फॉरेन डिप्लोमेसी है, जिसमें साफ तौर पर देश प्रेम झलकता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अक्सर भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर में शामिल रहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मोदी और जयशंकर जी ने जबरदस्त तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों को चेक एंड बैलेंस कर दिया है। मुस्लिम देशों की नजरों के सामने इसराइल को हथियार देना ना तो चीन के बस की बात है और ना ही रूस के बस की बात है, लेकिन मोदी ने एक बेहद खतरनाक रिस्क लेते हुए इसराइल को हथियार सप्लाई किया है। आपको क्या लगता है, मोदी के इस रिस्क से भारत को फायदा होगा या नुकसान? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। मिडिल ईस्ट के तेल वाले मुस्लिम देश अगर चाहे तो भारत में क्राइसिस पैदा कर सकते हैं। आज भले ही रूस भारत को क्रूड ऑयल दे रहा हो, लेकिन गल्फ कंट्रीज से तेल खरीदे बिना भारत एनर्जी डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। वैसे भी रूस कुछ दिन बाद चीन का कॉलोनी बन जाएगा और वहां से भारत को तेल मिलना बंद हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी को इस बात का कोई गम नहीं और वे मिडिल ईस्ट में ब्लाइंडली और बोल्डली रिस्क ले रहे हैं। यह रिस्क इतना बड़ा है कि भारत को या तो सर्वशक्तिमान बना सकता है या फिर जमीन पर पटक सकता है। अक्सर यह कहा जाता है कि जो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना सीख गया वह दुनिया को कंट्रोल कर लेगा। अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व की शुरुआत भी मिडिल ईस्ट के अंदर से ही हुई थी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की औकात अमेरिका को टक्कर देने वाली हो गई है, क्योंकि तेल के बिना आप भारत की तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आप स्क्रीन पर देखिए 1973 ऑयल क्राइसिस में क्या हुआ था, जब गल्फ कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तेल सप्लाई बंद कर दिया था, जिसके कारण भारत में महामंदी शुरू हो गई थी और महंगाई आसमान छूने लगी थी। इसके साथ ही हमारी फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म होने लगी थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को 1973 ऑयल क्राइसिस जरूर याद होगा,
लेकिन फिर भी वह किसी की सुनने को तैयार नहीं। इस तरह का रिस्क अक्सर वही लोग लेते हैं जिनके रग रग में विश्वास की ज्वाला धधक रही हो। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि पीएम मोदी के भीतर जो इतना दृढ़ विश्वास है उसके पीछे की मुख्य वजह क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से मोदी जी के अंदर बचपन से ही एक ऐसा विश्वास भरा है जिसकी ताकत का अंदाजा अक्सर आम लोग नहीं लगा पाते। कहा जाता है कि आप चाहे किसी भी धर्म या मजहब के हो, आप चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो फिर सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर आप स्क्रीन पर तानिया डागा जी का विश्वास और साहस देखिए। एक पेड़ होने के बावजूद इन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण वह काम कर दिया जो अक्सर दो पैर वाले भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने मात्र 42 दिन के अंदर 2800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यात्रा कर लिया। इस यात्रा के बीच में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया जिसके कारण इन्हें एक सप्ताह का ब्रेक भी लेना पड़ा, लेकिन 42 दिन के भीतर तानिया अपने मंजिल तक पहुंचकर सभी को चौंका दिया। ऐसा काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें खुद पर हद से ज्यादा दृढ़ विश्वास है। कुछ ऐसी ही घटना 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली थी, जब टूर्नामेंट के बीच में ही सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के ब्रेक के बाद ही उन्होंने वापस टूर्नामेंट में शामिल होकर सभी को भावुक कर दिया था। अपने दृढ़ विश्वास के कारण ही तेंदुलकर ने शतकों के शतक का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बेहद मुश्किल होते जा रहा है। यह बात बिल्कुल जायज है कि कुछ लोग पीएम मोदी के विश्वास और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन खास करके फॉरेन पॉलिसी के मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेश मंत्री जयशंकर जी का बड़ा हाथ है। अगर मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में मोदी फेल हुए तो मुस्लिम देशों से भारत पर चौतरफा हमले शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगेगा। लेकिन हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है, शायद इसी कारण मोदी कॉन्फिडेंट होकर बोल्ड रिस्क ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, गल्फ कंट्रीज से पंगा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह इतना बड़ा रिस्क है जिसे लेने से पहले बड़े बड़े देश बेहद डरते हैं। यहां तक कि अमेरिका भी इस मामले में सहम सहम कर कदम उठाता है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई के कारण मिडिल ईस्ट के देशों की ताकत काफी ज्यादा है। लेकिन पीएम मोदी एक ऐसे धुरंधर नेता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं और खुद पर परम विश्वास के कारण कुदरत हमेशा उनके साथ रहती है। हालांकि मालदीव जैसे कुछ मामलों में पीएम मोदी को असफलता ही हाथ लगी है जो जीवन का एक हिस्सा है। हालांकि मालदीव भी अब लाइन पर आ गया है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।